नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी। 22 के महासमर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मातम पर मरहम वाली सियासत की। कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में हत्या के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने 11 बजे के करीब मृतक मनीष की पत्नी से मुलाकात की। दोपहर 2:30 बजे के करीब सीएम योगी ने मीनाक्षी गुप्ता से मुलाकात की। शिवपाल यादव ने भी परिवार से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी परिवार से मिलने जा सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर के सफर में हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्या यूपी के छोटे दल कंफ्यूजन में हैं। आखिर शिवपाल यादव से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक के बयान लगातार क्यों बदल रहे हैं? क्या चुनावी समर में बेहतर डील के छोटे सियासी दल ऐसी रणनीति अपना रहे हैं? तो कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या पर मरहम लगाने वाली सियासत जारी है। अखिलेश यादव ने मनीष गुप्ता की पत्नी से मुलाकात की और योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। हत्याकांड को लेकर जहां समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, वहीं मनीष गुप्ता की पत्नी ने खुले शब्दों में समाजवादी पार्टी को समझा दिया कि आप हमदर्दी जताए, हंगामा ना करें, सियासी माहौल ना बनाए। पुलिस वाले ने किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए, बाकी सारे क्लिप कहीं खून नहीं है, वो खून से रंग पत्ते। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। ये गुस्सा है मीनाक्षी गुप्ता का। मीनाक्षी गुप्ता मनीष गुप्ता की पत्नी है। मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गोरखपुर के 6 पुलिस कर्मियों पर है। मनीष हत्याकांड को लेकर गोरखपुर से लेकर कानपुर तक सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ मीनाक्षी गुप्ता के बाहर जमा हो गई। एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। ये सब देखकर मीनाक्षी गुप्ता का गुस्सा फूट पड़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात की, हमदर्दी जाहिर की, मदद का भरोसा भी दिया। लेकिन अखिलेश यादव यहां सियासत करने से भी नहीं चूके। ना एसएसपी सस्पेंड हुए, ना डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर ना हो उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। और जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा? इसे जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। मनीष हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव ने जहां योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सीएम योगी ने कानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मनीष हत्याकांड को लेकर सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। चुनावी मौसम में विपक्षी दल मरहम वाली सियासत के जरिए फायदा उठाने की कोशिश में लगा है। लेकिन मीनाक्षी गुप्ता के बयान से ये साफ है कि हमदर्दी करने वाले अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे तो ये उन्हें भारी भी पड़ सकता है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।
तो कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में मौत मामले में जारी सियासत के बीच सीएम योगी ने कानपुर में मनीष गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने कहा कि सीएम ने एक गार्जियन की तरह उनकी बातों को सुना, उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। इसके अलावा सीएम योगी ने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाने और उन्हें सरकारी नौकरी देने की भी बात मान ली। उन्हें विकास प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर नियुक्ति दी गई है। साथ ही मीनाक्षी ने बताया कि सीएम ने सीबीआई जांच के लिए भी आवेदन करने को कहा है। सीएम योगी ने केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश भी दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सीएम से मिलकर और उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं। सीएम साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है और मैं उनकी सारी चीज़ों से बहुत ही संतुष्ट हूँ। इनफैक्ट मुझे उनकी दो चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी कि उन्होंने मेरे केस की गंभीरता को देखते हुए पहले अपने मन से ही बोल दिया कि केस को कानपुर में ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे एक अलग टीम नियुक्त करते हैं। दूसरा, उन्होंने गोरखपुर में सुबह ही कह दिया था कि जो पोस्टमार्टम होगा वो पैनल के थ्रू होगा और इनकी FIR दर्ज कर ली जानी चाहिए। ये वहाँ से नहीं हुआ बट इनका आदेश हो चुका था, ऐसा मुझे सीएम जी ने बताया। तो ये मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी इतनी सहायता करी। उन्होंने मेरी सरकारी नौकरी वाली दरख्वास्त भी मंजूर करी है और अविराज के फ्यूचर के लिए भी कुछ धनराशि देने के लिए कहा है और CBI जांच के लिए भी उन्होंने प्रार्थना पत्र के लिए कहा है कि आप आवेदन करिए, मैं देखता हूँ। वहीं गोरखपुर के होटल में कारोबारी हत्या मामले में BSP अध्यक्ष मायावती ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यूपी सीएम के गृह जनपद गोरखपुर की पुलिस द्वारा 3 व्यापारियों के साथ होटल में बर्बरता व उसमें से एक की मौत के प्रथम दृष्टया दोषी पुलिस वालों को बचाने के लिए मामले को दबाने का प्रयास घोर अनुचित। घटना की गंभीरता व परिवार की व्यथा को देखते हुए मामले की CBI जांच जरूरी। तो मनीष गुप्ता मर्डर केस पर जारी सियासत के बीच शिवपाल सिंह यादव ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात से पहले मीडिया से बात करते हुए शिवपाल ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। शिवपाल ने कहा कि नौकरशाही पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। बहुत दिन से बोल रहे हैं नौकरशाही कब्जे में नहीं है सरकार की, और सरकार तो पूरी तरह अपना इकबाल खो चुकी है। महंगाई भ्रष्टाचार और इसके साथ साथ घटनाएं हत्याएं अब कंट्रोल में नहीं है, नौकरशाही कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं। यूपी के चुनावी समर में छोटे दल भी अपने अपने गठजोड़ को लेकर लगातार कवायद कर रहे हैं। शिवपाल यादव, असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के बीच गठबंधन को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या छोटे दलों की उम्मीदें पूरी होंगी। यूपी की चुनावी बयार में हर रोज सियासी समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। बुधवार को लखनऊ में शिवपाल यादव से ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की। माना जा रहा है कि किसी बड़े दल से गठबंधन न होने की सूरत में शिवपाल यादव भागीदारी मोर्चे के साथ मिलकर 2022 के सियासी संग्राम में उतर सकते हैं। वैसे शिवपाल यादव कई बार कह चुके हैं कि गठबंधन के लिए उनकी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है, लेकिन बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से ग्रीन सिग्नल न मिलने की वजह से शिवपाल यादव अब दूसरी पार्टियों के साथ गठजोड़ बनाने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, प्रसपा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता सपा है, लेकिन एक समय होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इटावा से भी एक अल्टीमेट दिया कि इस डेट तक अगर बात करना हो तो लोग बात करें,
चूंकि कार्यकर्ता जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो बार बार कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवपाल यादव ओम प्रकाश राजभर वैसे तो बड़े दल से गठबंधन चाहते हैं, लेकिन फायदे वाली डील न होने पर खुद का गठजोड़ तैयार करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि छोटे दलों से गठबंधन का फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे। जो समाजवादी विचारधारा के हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर लोहिया गांधी के रास्ते पर चल करके लोगों की मदद करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, हम उनसे बातचीत करके हम गठबंधन में लेंगे। अब ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि वो किसको रखेंगे गठबंधन में, किसको नहीं रखेंगे। छोटे दलों के गठजोड़ पर बीजेपी का कहना है कि इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिलने वाली है। अब ये छोटे छोटे कई दल जो जातीय समूह के तौर पर हैं, ये उत्तर प्रदेश में विकल्प बनने की एक असफल कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ जी के साथ है और फिर भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगा। यूपी की सियासत में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस भी मानती है कि छोटे दलों का गठबंधन टिकने वाला नहीं है। तो हमें लगता है अपने वजूद को बचाने के लिए इस तरह की मीटिंगें चल रही हैं। अब देखते हैं, क्योंकि उसमें जो चारों पार्टियों के आपने नाम लिए, हमें लगता है चारों की अपनी आवाज़ है, चारों एक एक कोने में भागते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इन चारों पार्टियों का गठबंधन होएगा। अगर होएगा भी तो बहुत लंबा चलेगा। 22 के सियासी संग्राम को लेकर यूपी के छोटे सियासी दल बेहतरीन डील करने की कोशिश में जुट गए हैं। शिवपाल यादव से लेकर ओम प्रकाश राजभर के बयानों से उनका कन्फ्यूजन और उनकी चाहत दोनों सामने आ जाती हैं। बड़े दल का साथ न मिलने पर शिवपाल, ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी गठजोड़ के सहारे चुनावी महासमर में उतर सकते हैं। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो यूपी में छोटे दलों की बड़ी कवायद जारी है। 8 दिनों के अंदर शिवपाल ओवैसी की दूसरी मुलाकात हुई है। तो पिछले 8 दिनों में शिवपाल और ओवैसी की दूसरी मुलाकात हुई है, पहले 21 सितंबर को और फिर दूसरी मुलाकात 29 तारीख को हुई है। भागीदारी मोर्चा का हिस्सा हो सकते हैं शिवपाल, एक बड़ा सवाल है। शिवपाल ओवैसी राजभर के बीच गठबंधन की कवायद लगातार जोर पकड़ रही है। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, जारी है 22 का महासमर। सीएम योगी ने एक बार फिर पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्नाव के सगौली में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने से ही विकास का काम होता है। आगे कहा कि हमारी सरकार में गांव गांव घर घर तक बिजली राशन पहुंच रहा है, जबकि पिछली सरकारों पर सारा राशन सैफई पहुंच जाता था। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने यूपी को सुशासन मॉडल दिया है। क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? आप बताइए, इशारा कर दीजिए, मिलती थी तो हाँ बोल दीजिए, नहीं मिलती तो एकदम मना कर दीजिए। और भाइयों बहनों, क्या 2017 के पहले गरीबों को राशन मिलता था जैसे राशन इस समय दिया जा रहा है? लेकिन आज तो मिल रहा है ना, अच्छे लोग चुनते हैं तो शासन की योजना आप तक पहुंच जाती है।
बहराइच के नानपारा में जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने अब्बा जान शब्द को लेकर यूपी सरकार को भी घेरा। क्यों आपके दिल दिमाग में बात बैठी हुई है कि अब्बा जान के बोलने वालों का ताल्लुक किसी एक मखसूस मजहब से है? हम योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछना चाहते हैं, बताओ क्या ये बात सच नहीं है कि प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण में कितने घर आपने अपने मुसलमानों को दिए, बताओ आप? और इसी के साथ 22 का महासमर में आज के लिए बस इतना ही।